वेलकम टू मैक जोना। आज से हम प्रेशर मेजरमेंट की एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में हम एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक एंड वैक्यूम प्रेशर का रिलेशनशिप एक प्रॉब्लम की मदद से डिस्क्राइब करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। अ वैक्यूम गेज कनेक्टेड टू अ चैम्बर रीड्स 50 किलो पास्कल। ये एक चैम्बर है जिसके साथ हमने एक वैक्यूम गेज लगाई हुई है और इस गेज के ऊपर प्रेशर 50 किलो पास्कल आ रहा है एट अ लोकेशन वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 किलो पास्कल। और इस चैम्बर की लोकेशन पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 100 किलो पास्कल। डिटरमिन द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द चैम्बर। इस चैम्बर का मैंने एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करना है। तो जो गिवन डाटा है मैं वो नोट डाउन कर लेता हूँ। वैक्यूम प्रेशर इज 50 किलो पास्कल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 100 किलो पास्कल। आई एम रिक्वायर्ड टू फाइंड एब्सोल्यूट प्रेशर इन द चैम्बर। मैंने एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करना है। अगर मुझे वैक्यूम एटमॉस्फेरिक और एब्सोल्यूट प्रेशर का रिलेशनशिप पता हो तो मैं एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड कर सकता हूँ। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हम फाइंड करते हैं एब्सोल्यूट वैक्यूम की मदद से, यानी एक ऐसी लोकेशन पर जहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर बिल्कुल ही ज़ीरो हो, उसको हम एब्सोल्यूट वैक्यूम कह सकते हैं। एब्सोल्यूट वैक्यूम की मदद से हम बेस लाइन कंसिडर करते हुए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक फिक्स्ड वैल्यू होती है लोकेशन के हिसाब से। अगर हमारा ये लेट्स सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी एटमॉस्फेरिक, ये पी एटमॉस्फेरिक की लाइन हो गई। उसके बाद जो वैक्यूम प्रेशर होता है, वैक्यूम प्रेशर हम कहते हैं वैक्यूम प्रेशर इज़ द प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेयर से नीचे जो भी प्रेशर होगा वो होगा प्रेशर वैक्यूम। अब बाकी रह गया एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर इज़ अ प्रेशर एट गिवन पोजीशन। तो इस चैम्बर के अंदर क्या प्रेशर है वो हमने निकालना है, वो होगा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा पी एब्सोल्यूट। यानी अगर मैं इस लाइन को देखूं तो यहाँ से मैं रिलेशन लिख सकता हूँ कि पी एब्सोल्यूट है अगर मैं इस पी एटमॉस्फेरिक में से पी वैक्यूम माइनस कर दूं तो मेरे पास एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा। आई होप कि ये रिलेशन जो मैंने ड्राइव किया आपको समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेकर दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन आई विल आंसर इंशाल्लाह। यहाँ भी मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है 100 किलो पास्कल और वैक्यूम प्रेशर गिवन है 50 किलो पास्कल। और यहाँ से मेरे पास एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा 50 किलो पास्कल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉब्लम समझ आ गया। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट, आई विल आंसर। थैंक यू, गुड बाय।